त्रिमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। आदरणीय कपिला जी, यहाँ समुपस्थित समस्त हमारे सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, भोगीलाल लहरचंद प्राच्य विद्या संस्थान के निदेशक के रूप में मैं आप सब लोगों का यहाँ कल्पसूत्र के लघु चित्र इस विषय पर श्री प्रोफेसर जीतू भाई शाह के द्वारा दिए जाने वाले इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस संस्थान ने जैन कला परंपरा के ऊपर एक भाषण श्रृंखला की का आयोजन किया है, का आरंभ किया है, का सूत्रपात किया है, जिस जो कि वार्षिक है और प्रत्येक वर्ष हम लोग मई और जून के मास में प्राकृत सिखाने के लिए एक पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं जो 3 सप्ताह का होता है। जैन कला के ऊपर सामान्यतया ये भाषण इसी बीच में होगा, क्योंकि इस बीच में मई और जून में हमारे प्रतिभागी भी हमारे साथ में रहते हैं जो जैन दर्शन, जैन कला, जैन साहित्य और विशेष रूप से प्राकृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में होते हैं। तो ये जो भाषण श्रृंखला है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन उपाधीक्षक की सहायता से, उनके सहयोग से आयोजित की गई है, और इसके जो प्रथम 2 व्याख्यान हैं उसका वहन वे कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये भाषण श्रृंखला आगे भी चलेगी, आगे के वर्षों में भी चलेगी, और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। ये जैन भास्कर्य या वैन भवन कला, भवन निर्माण कला, मंदिर, उनके मंदिर के निर्माण कला, उनकी शिल्प और उनके मूर्ति कला, उनकी चित्रकला और जैन परंपरा से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार के जो कलाकृतियां हैं उन सब से संबंधित होगी ये। तो इसका मैं समझता हूँ कि हमें आशा है कि हम लोग इसका जो भी इसके भाषण होंगे उसका प्रकाशन भी करेंगे, और इस प्रकार से एक 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 पुस्तक की पूरी श्रृंखला बन जाएगी जो जैन कला के विभिन्न पक्षों पर बहुत प्रकाश डालेगी। मुझे हर्ष है कि आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर इसके प्रथम व्याख्यान के दिन उपस्थित हुए हैं। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। विशेष स्वागत हम अपने आदरणीय कपिला जी का करते हैं जो आज के इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। मैं सबसे पहले उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आकर के मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कपिला जी, बहुत बड़ी उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि विश्व के जो श्रेष्ठतम कलाविद हैं, कला के जानकार हैं, उनमें उनकी गणना होती है। और बैठें कृपया। मैं वो अनेक उन्होंने अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की है। मैं समझता हूँ कि जब वो उस सरकार में थीं, वो रिटायर हुई हैं कल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में, और ये अनेक, मैं समझता हूँ 50 से लेकर के 60 तक विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की और कला संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र,
उनकी कीर्ति का एक, मैं समझता हूँ कि मूर्तमान प्रतीक है। और उनके संबंध में कुछ बहुत अधिक कहना, एक तरह से जिसको कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना है, आप सब लोग उनको जानते होंगे। मैंने अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उनका नाम ही काफ़ी है। जब हम लोग कहते हैं कि आप विवेकानंद थे या आप महात्मा गांधी हैं, तो बस उनका नाम ही पर्याप्त होता है। कपिला वात्स्यायन एक नाम ऐसा है जो कि एक जिससे कोई भी, शायद ही कोई दिल्ली का ऐसा बुद्धिजीवी होगा या कला प्रेमी होगा जो अपरिचित होगा। मैं आज के भाषणकर्ता प्रोफेसर जीतू भाई शाह से भी प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जीतू भाई शाह, अहमदाबाद के एलडी इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, ये प्राच्य विद्या का एक बहुत ही सम्माननीय संस्थान है। जीतू भाई शाह जैन दर्शन, जैन साहित्य, प्राकृत संस्कृत, जैन कला, इन सब के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि आपसे अछूता रह गया है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में आपका पांडित्य विख्यात है। यहाँ के नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के आप सदस्य रहे हैं और उसके विकास में सतत आपका सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक, आप इतने व्यस्त रहते हैं, जब भी आप से कभी संपर्क साधने का कोई प्रयास करे तो पता चलता है कि आपका कहीं ना कहीं कोई भाषण हो रहा है। उसके अतिरिक्त आप विदेश भी, इंग्लैंड और यूएसए, वहाँ के आमंत्रण पर भाषण देने के लिए, जैन दर्शन के विभिन्न पक्षों पर भाषण देने के लिए जाते रहते हैं। बनारस में आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की। इसके अतिरिक्त आपने एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में आपने भाग लिया। आप शारदाबेन चिमन भाई एजुकेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रहे और आप दलाई लामा को एक बार पालीटाना ला करके उन्होंने जैन आचार्यों के साथ में अहिंसा और धर्म के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद को भी अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में आयोजित किया और इंस्टीट्यूट में इन्होंने अनेक नई, आपका एक बहुत बड़ा योगदान उस इंस्टीट्यूट को है कि उन्होंने अनेक पांडुलिपियाँ जैन दर्शन और जैन साहित्य से संबंधित वहाँ एकत्र की और अपने यहाँ, आपके यहाँ बहुत बड़ा पांडुलिपियों का संग्रह है और चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। आप गुजरात यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर और जैन गुजरात विद्यापीठ की जैन स्टडीज़ से संबद्ध रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भावनगर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, इन सब से आप संबद्ध हैं। एक सूरत के बिहारी समाज ने आपको एक्सीलेंट गुजराती की उपाधि से विभूषित किया है। हमारे जीतू भाई शाह बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के वाइस चेयरमैन भी हैं और हमारे बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के सतत विकास में आपका सदैव अमूल्य योगदान रहता है। हम आपके बड़े आभारी हैं कि उन्होंने कृपापूर्वक हमारी इस कला को समर्पित भाषण श्रृंखला का प्रथम व्याख्यान देने की कृपा की है, जो कल्पसूत्र के की जो विभिन्न पांडुलिपियां हैं उसमें जो प्राप्त लघु चित्र हैं उसके ऊपर आधारित है। मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपना भाषण आरंभ करें। जैन जी, मैं कुछ दो शब्द कह सकता हूँ? आप प्लीज आइए आइए, उनके भाषण से पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अब मुझसे क्यों पूछे, आप प्रेसिडेंट हैं मेरे। डॉक्टर त्रिपाठी, भोगीलाल इंस्टीट्यूट के सब महानुभाव और सदस्य और जिनको मैं जीतू भाई कहती हूँ लेकिन त्रिपाठी जी ने परिचय दे दिया आपका और वो विस्तार से था या नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी इतनी उपलब्धियों के ऊपर प्रकाश डाला। मुझे दो शब्द एलडी इंस्टीट्यूट के विषय में कहना जहाँ वो है, क्योंकि लाल भाई दलपत भाई इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा वहाँ पर काम करने का मुझे भी अवसर मिला और मैं जाती नहीं हूँ, इसलिए मैं भोगीलाल इंस्टीट्यूट के विषय में नहीं कहूँगी, वो आपने कहा। मैं ये समझती हूँ कि लाल भाई दलपत भाई का जो इंस्टीट्यूट है, जो उनके पास सामग्री है और जो मूल्यवान सामग्री है, उसका कोई तुलनात्मक मैं नहीं समझती हूँ कि कोई देश में ऐसा संस्थान है जहाँ की केवल पांडुलिपि नहीं लेकिन जो वंशावली का उनका वो है। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूँ कि मेरे ससुर हिरानंद शास्त्री जी ने आपकी आपके यहाँ जो वंश उसके ऊपर वंशावली हैं उन पर कोई चार पांच। और उससे मुझे ये कहना है कि हम लोग ये समझते हैं और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं हम ये समझते हैं कि वी हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री या कि केवल इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जाते हैं, इंस्क्रिप्शन से पता लगे या कि जो प्राइमरी सोर्सेस, लेकिन जो कंटिन्यूटी है और जिस तरह से वंशावली और जो सामग्री उनमें मिलती है, मैं ये समझती हूँ कि आज उन पर कुछ अधिक काम होना चाहिए। मैं आपके सम्मुख से कहना चाहती हूँ आज अवसर मिला है क्योंकि एलडी इंस्टीट्यूट में इतनी सामग्री है और अगर जो हमारे आज के आधुनिक इतिहासकार हैं उनको इसके प्रति कुछ अनुराग हो कि ये भी सामग्री है फॉर व्हाट इज एंड टू टर्न टू इंग्लिश दिस इज प्राइमरी मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल लीनियजेस एंड द काइंड ऑफ मटेरियल दैट इट प्रेजेंट्स। अब कल्पसूत्र, आपके जो निमंत्रण पत्र था उसमें ये लिखा हुआ था मिनिएचर फ्रॉम दी कल्पसूत्र। मैंने आपसे बाहर ये कहा कि मैं ये नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि जहाँ मैंने ये डेफिनेटिव आर्टिकल लिख दिया दी कल्पसूत्र तो इसका मतलब है कि एक कल्पसूत्र, तो भाई एलडी इंस्टीट्यूट में ही कम से कम 10 कल्पसूत्र, 21 और जो बाकी जगह है और न जाने कितने हैं, 100 से अधिक तो होंगे ही। और उसके ऊपर आपका जो काम है, और मुझे दो शब्द और कहने हैं और तब आप सब इनको सुनने आए हैं वो अपना भाषण देंगे, कि ये जो इधर जिसको कि हम 20वीं शताब्दी के स्कॉलरशिप कहते हैं, उसमें हमने ये अंग्रेज़ी की जो संज्ञा थी इलस्ट्रेटेड मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ, इस संज्ञा के विषय में हमें मेरा ख्याल है फिर से ज़रा सो सोचना चाहिए, क्योंकि तब हम ये समझते हैं कि